ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला बैग है, ये वाला फोजिस आपका बैग है और इसके ऊपर जो है मैंने डायपर बांध के रखे हुए हैं। तो ये अंशु के डायपर है गाइज, क्योंकि अंशु के लिए डायपर लगेंगे ही बस में। बना लेते हैं गाइज हम मायके में लास्ट चाय। गाइज क्या होता है ना, लड़की का लाइफ बहुत अलग सा होता है। सच्ची भगवान ने पता नहीं क्यों बनाया हुआ है लड़के को ऐसा, कि मतलब बहुत अलग सा फील हो रहा है। मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगी गाइस, अपनी मम्मी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करूंगी, मम्मी को छोड़ के चले जाऊंगी। मैं वैसे रोती नहीं हूँ गाइस, लेकिन पता नहीं अपने आप ही ना रोने के लिए आ जाता है मुझे। मम्मी के सामने ना गाइस रोने के लिए नहीं आता है, मैं मम्मी मैं रोती हूँ तो मम्मा फटक से रोने लग जाते हैं। और कैसा होता है ना गाइस, वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ कि मैं रो रही हूँ, मैं अंदर अंदर से रोती रहती हूँ, घूरती रहती हूँ, पर वो गलत होता है दोस्तों। मतलब आंख से आंसू निकल जाए ना, वो अच्छा होता है। गाइस अभी लेके जा रहे हैं हम सबके लिए चाय। मम्मी खोल वाला दरवाजा खोल दो, ऐसे लो चाय लो, लो नाना चाय पकड़ गवाड़ो। गाय से हमारे मम्मा ने डंडा लिया बहुत सारा और हमारी गाय चुग रही है अभी। मैं मारती नहीं हूँ इनको, तो ऐसे लिया है। ऐसे लिया है ना जंगली जानवरों के लिए। दोस्तों हिमाचल की नेचुरल जंगल देखिए, हमारे जंगलों में जो है वो अरबी के पत्ते कितने सारे दोस्तों उधर तक हैं, बहुत सारे हैं, जिसके हम पतरोड़े भी बनाते हैं और साग भी बनाते हैं। हे गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम, और दोस्तों जो भी नए आएंगे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना दोस्तों। तो क्या बोलना दोस्तों, आज मेरा जो है मायके में लास्ट दिन है दोस्तों, मतलब मायके में क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हिमाचल में जो है वो आज एकदम लास्ट दिन है अपने मम्मी पापा के घर में। फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे दोस्तों, बहुत दूर है हिमाचल छोड़ के चले जाएंगे। गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है जब मतलब अपना बचपन का घर वो सो खेलना, भाई के साथ खेलना बड़ी याद आती, पता नहीं क्यों आती है। बीच बीच तो कोई याद नहीं आती थी, मतलब जैसे इतने दिन रही मैं, मेरे भाई की शादी के लिए आई थी मैं फरवरी में, तो इतने महीने रही लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, जैसे फौजी साहब पहुंचे ना घर में, तो जैसे जैसे फौजी साहब पहुंचे तो फिर मुझे ऐसा लग रहा कि अभी मुझे जाना है, लेकिन अभी 2-3 दिन और है फौजी साहब रुकेंगे। तो क्योंकि हमारी बुकिंग जो है वो थोड़ा सा लेट कर दी थी फौजी साहब ने, आगे की वाली बुकिंग जो है। तो दोस्तों फिर अभी अभी ऐसा लग रहा है ना, एक एक घंटा जो है एक एक मिनट की तरह लग रहा है कि बस अभी गया दिन, आज तो एकदम लास्ट दिन है। तो दोस्तों मतलब मन भी नहीं कर रहा था मेरा सुबह से कि मैं सुबह का ब्लॉग बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ तो शेयर कर नहीं, आप भी मेरे YouTube फैमिली की तरह हो, आप तो मेरे हर दम तक मतलब साथ हो, क्योंकि मैं हिमाचल में रहूं चाहे महाराष्ट्र में रहूं लेकिन आप तो मुझे देख पा रहे होंगे, आप तो मुझे समझ सकते हैं, मेरी फीलिंग भी यार समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मुझे फौजी साहब ने खुद अपने हाथों से बिंदी लगाई हुई है, तो आपने वीडियो में देखे होंगे पुराने जो ब्लॉग हैं तो उसमें जो है बिंदी में थोड़ा सा ऊपर लगाती हूँ दोस्तों। तो फौजी साहब ने पहली बार ऐसे मेरे जो है ऐसे माथे के पास लगाई, ऐसे बीच बीच में थ्रेडिंग के बीच में, तो अच्छी लग रही है क्या? तो मम्मी बोले ऐसी भी अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फौजी साहब ने लगाई तो ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे सामान कितना ज़्यादा सामान हुआ है, तो हमारा सामान देख सकते हैं दोस्तों इतना ज़्यादा हुआ है, इतने बड़े बड़े बैग है दोस्तों, तो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हाल होगा हमारा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला बैग है, ये वाला फौजी साहब का बैग है और इसके ऊपर जो है मैंने डायपर बांध के रखे हुए हैं। तो ये अंशु के डायपर है गाइज, क्योंकि अंशु के लिए डायपर लगेंगे ही, बस में ट्रैवल करना है हमने तो फिर लगेंगे ही। और ये देख सकते हैं दोस्तों, एक रेड बैग है, इसमें अंशु का सामान है और दूसरे में भी फौजी साहब का ही सामान है। मेरे कपड़े तो पार्सल कर दिए हैं और इतना सारा सामान हो गया दोस्तों हमारे पास, अभी कैसे कैसे क्या क्या होगा कुछ पता नहीं। और दोस्तों ये रूम, ये मतलब पर्दे सब कितना याद आता है ना, क्योंकि अपना जो बेडरूम होता है ना बहुत ज़्यादा याद आता है मायके वाला। तो गाइस ये देखो ना हमारे टैबलेट है गाइस, ये देख सकते हैं टैबलेट लेके रखे हुए मैंने, क्योंकि मुझे दांत में प्रॉब्लम होता है ना गाइस,
सामान क्या क्या रहा है इधर से लेने के लिए, तो मैंने ये साइड में रखा है इसलिए भर दिया मैंने बेड का जो ऊपर वाला ये खाना है। तो क्या रखा हुआ है इसमें कि एक तो अंशु के रबड़ रखे हुए जो मतलब लगने हैं, मतलब अभी लास्ट दिन है तो अगले दिन ही जाने वाले हैं हम, तो विक्स रख दिया है थोड़ा सा और रबड़ रख दिए हैं, ऑयल रख दिया है और उसकी जो है दवाइयाँ हैं दोस्तों, उसको सर्दी बुखार की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं क्योंकि हमने लंबा सफ़र करना है तो इसलिए लेना ज़रूरी है। और दोस्तों उसके जो बोतल थी ना गाइज, वो कैट ने जो है तोड़ दी है दूध की, तो हम उसको नई बोतल लेके आए हैं दूध के लिए। और गाइज मेहंदी भी है लेकिन मेरा मन नहीं है मेहंदी लगाने का, तो गाइज बस हो गया सामान पैक, अभी चलते हैं हम अपने किचन में। तो गाइज सब बैठे हुए हैं, नाना नानी जा रहे थे लेकिन मैंने उनको जाने नहीं दिया। तो गाइज ये देखो फौजी साहब है और ये अंशु है, अंशु तो मस्ती कर रही है ना। अंशु, अंशु को क्या पता कि चले जाना है अपने घर में नानी को छोड़ के। तो गाइज अंशु की नानी है, अंशु की नानी तो आज से रोना स्टार्ट कर दिया अंशु की नानी ने। और ये मेरे नाना है, हमने इनको जाने नहीं दिया और ये हमारी नानी बैठे हुए हैं। तो गाइज ये सब लम्हे याद आएंगे। ये देखो गाइज अंशु, अंशु का हग कर रहे हैं मम्मा। हाँ हाँ अंशु, अंशु कहाँ जाना है आपने? नहीं जाना, नानी के पास ही रहना है, नानी के पास ही रहना, नानी पास ही रहना। तो गाइज ये है और मौसम देख सकते हैं गाइज ऐसा ऐसा हो रखा है, अभी बारिश नहीं है। गाइज मैं आ गई किचन में और किचन में मुझे बनानी है चाय, तो मम्मी अंशु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो मैं ही रख लेती हूँ, क्योंकि चाय रखने के लिए क्या 2 मिनट की चाय हो जाएगी। तो गाइज हमारे हिमाचल में जो है ना, हाँ बनाती हूँ, तो मैंने जो है शाम को त्योर लगाई हुई है दोस्तों, मतलब इसको हम पहाड़ी मेहंदी भी बोल सकते हैं। और आपकी इधर होती है गाइस तो मुझे बताना, मतलब हरे हरे छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको निकालना होता है फिर पीसना होता है, तो ऐसे लगा देते हैं। ये मेहंदी की तरह नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मोटी जैसी होती है, तो ऐसे लगा दी है मैंने गाइस और पाँव में भी लगाई हुई है। मुझे बड़ा शौक था कि मतलब लगानी है, त्यूर बोलते गाइस हम इसको, तो ऐसी लगी हुई है, बहुत प्यारा सा कलर आया हुआ है। और गाइस अभी हम ना चाय रख लेते हैं, करने देती हूँ मम्मी को अंशु के साथ बात। गैस सब है चाय पीने के लिए, तो इतना पानी बहुत हो जाएगा। बाउल ले लिया मैंने ना, और मैं रख दे रही हूँ इंडक्शन में चाय, इसमें क्या है इसमें दूध है गैस, दूध को हम ना साइड में रख लेते हैं। गाइज एक हाथ से ना ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्या है पानी के पास तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि फोन जो है पानी में गिर जाता है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो अभी मैंने बोला है फौजी साहब को, लेकिन फौजी साहब बोलते हैं अभी हिमाचल में लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी हमने जाना भी है और सामान हमारे से बहुत ज़्यादा हो गया, हम दो है उठाने के लिए, अंशु को भी देखना पड़ेगा गाइज, और फिर जो है नहीं ले रहे हैं, तो बोले कि वहाँ जाके ही लेते हैं, बोला तो है अभी फिर पता नहीं। बना लेते हैं गाइज हम मायके में लास्ट चाय। गाइज क्या होता है ना लड़की का लाइफ बहुत अलग सा होता है, सच्ची भगवान ने पता नहीं क्यों बनाया हुआ है लड़की को ऐसा। चले जाओ अपने मायके से ससुराल, लड़कों का अच्छा होता है गाइस, लड़कों का मतलब क्या होता है विदाई वगैरह नहीं होती, वो मतलब जो भी करते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं जैसे, तो वो उनको आना होता है तो वो खुद के घर में ही आते हैं, पर लड़कियों को ही ऐसा बनाया। तो गाइस शक्कर हो गई है ख़त्म, अब मम्मा ने कहाँ रखी है पता नहीं। गाइस तो पानी लिया होता साथ में ना, तो मुझे डर लग रहा था कि फ़ोन गई मेरा गिर ना जाए, तो शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि एक हाथ से ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो गाइस ये था, ऐसे रख लेती हूँ ऐसे, और इसमें भी दूध रखा हुआ है, तो मैं ना चाय के लिए शक्कर डाल लेती हूँ। Thank you.
हाथ जा नहीं रहा है, क्या करूं? क्योंकि गाइस मम्मा ने पता नहीं क्या रखे हैं और आवाज तो मैंने लगाई नहीं। बस हो गया, ज्यादा मीठी चाय नहीं पीनी गाइस, दांत में दर्द होता है मुझे तो। लेकिन पत्नी इतनी अलग जैसी आवाज आ रही है कि चाय पीनी पीनी है। थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये बन रही है हिमाचल वाली चाय। मेरे ससुराल वाली चाय ना महाराष्ट्रीय चाय तो अलग ही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। हम लोग चाय में बहुत मीठी चाय पसंद करते हैं। तो गाइज मैं ना हाथ धो लेती हूँ, चिपचिपे हाथ हुए हैं। फुल स्पीड में ही रखा हुआ है। तो गाइस मुझे ना आज का दिन मतलब ऐसा लग रहा है ना, पत्नी मतलब मेरे दिल से कुछ छूट के जा रहा है ऐसा लग रहा है। जैसे मेरे भौजे साहब जाते हैं ना ड्यूटी, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है। मतलब क्या कैसे बताऊँ मैं दोस्तों, कैसे बयान करूँ कि मतलब बहुत अलग सा फील हो रहा है। मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊँगी गाइस, अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मम्मी को छोड़ के चले जाऊँगी। मैं वैसे रोती नहीं हूँ गैस, लेकिन पता नहीं अपने आप ही ना रोने के लिए आ जाता है। मुझे मम्मी के सामने ना गैस रोने के लिए नहीं आता है। मैं मम्मी मैं रोती हूँ तो मम्मा फटक से रोने लग जाते हैं। और कैसा होता है ना गैस, वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ कि मैं रो रही हूँ, मैं अंदर अंदर से रोती रहती हूँ, घूटती रहती हूँ, पर वो गलत होता है दोस्तों। मतलब आंख से आंसू निकल जाए ना वो अच्छा होता है। मेरे नानी दादी ऐसे ही बोलते हैं, और रोना नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी गाइस मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, हम बैठे हुए थे, मैं नानी मम्मी और फौजी साहब भी बैठे हुए थे साइड में। लेकिन ना नानी मेरे पत्नी नानी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, तो नानी बोलते हैं अभी तेरे साथ लास्ट बात कर लेते हैं, फिर जिंदगी का भरोसा नहीं है। और गाइस मुझे ना सच में मतलब ऐसा मन किया कि मैं कहीं रूम में जाके किचन में जाके अकेले ना जी भर के रहूँ, जी भर के रहूँ। ऐसा पता नहीं क्यों बोला नानी ने। भगवान ने पता नहीं क्यों बनाया लड़की को ऐसा, हिमाचल छोड़ देंगे हम। जैसे फौजी साहब आए थे तो वैसे तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई नहीं अभी खुशी के दिन आ गया, लेकिन अभी फिर से ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे सर के ऊपर पता नहीं कितना सारा बोझ आ गया है कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। अभी क्या है दोस्तों, वही मेरे फीलिंग समझ सकते हैं जिसके साथ ये होता है, ठीक है। मतलब जो मेरी माताएं मेरी बहनें ब्लॉग देख रहे होंगे, अगर उनके साथ मतलब उनकी बेटी अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती है और उनकी बहन ससुराल जाती है या फिर ड्यूटी करने के लिए भी जाती है, तो वही मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। और जो आउटसाइडर होते हैं ना वो ऐसे ही देखते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं वो तो हर किसी का मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। मैं तो एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटी सी हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा भी मजाक उड़ता है। तो मैं उनको ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मैंने पिछले कल जो है लाइव किया हुआ था दोस्तों, मैं बहुत दिनों से लाइव नहीं किया था, मैंने सोचा मैं लाइव कर लेती हूँ। तो दोस्तों पता नहीं नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन एक थे ऐसा लड़की का फोटो लगाया हुआ है, और पता नहीं लड़का था या लड़की थी, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ अलग सी ही बातें कर रहा था, अलग जैसी कमेंट कर रहा था। और मतलब दिल को जो है वो टच होता है, बुरा बोलते हैं ना आप किसी को, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। इसलिए मैं कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती, मेरे साथ कभी बुरा भी नहीं होता है। आगे भगवान की मर्जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, और मुझे ना प्लीज़ गलत कमेंट मत किया करो। अगर आपको हमारा ब्लॉग नहीं देखना है, हमारा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप मत देखा करो, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गलत कमेंट मत करो बस। गाइस अब तो हो गई बहुत सारी बातें आप सभी के साथ, क्योंकि हर दिल की बात आपके साथ ही शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलो बातें तो हो गई, अभी क्या करना, जैसे भगवान ने बनाया उस रास्ते में जाना ही पड़ेगा हम सभी को। तो गाइस अभी चाय वो उबल चुकी है और इसमें जो है मैं दूध डाल देती हूँ, और सब वेट कर रहे होंगे बाहर के अनु क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई।
फिर वो मुझे नानी डांटते हैं कि रोना नहीं है बिल्कुल भी, हंसते हंसते जाना है, हंसते हंसते विदा होना है, तो अपने घर जा रही है। गाइस स्टार्टिंग में तो सच में मुझे कुछ भी नहीं लगता था कि मैं अपने ससुराल जा रही, मैं इतना हंस हंस के जाती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे मतलब मैं बुढ़ी हो रही हूँ, बुढ़ी बोल सकती हूँ, जैसे टाइम बीता जा रहा है ना, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि गाइस मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा दूर है। क्योंकि जिसने ट्रैवल किया होगा ना गाइज, उसको पता होगा कि हिमाचल से मुंबई पुणे कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है गाइज। और बस भगवान हमें अच्छे से पहुंचा दे। और गाइज ना एक दीदी का मुझे कमेंट आया था, वो मेरे शायद ब्लॉग देखते हैं, नए नए आए हुए हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में, तो उनका स्वागत करती हूँ अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो उन्होंने बोला था कि दीदी आपकी शादी इतने दूर क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो महाराष्ट्र में हुई है। उन्होंने पता नहीं कैसे एक ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैं बताती रहती हूँ कि हिमाचली बेटी महाराष्ट्र में बहू। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है ये जो लफ्ज़ है हिमाचली बेटी महाराष्ट्र में बहू, क्योंकि मैं हिमाचली बेटी, हिमाचल में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरी जन्मभूमि हिमाचल है, और मेरा जो ससुराल है मतलब जहाँ मैं हमेशा के लिए रहूँगी वो मेरा महाराष्ट्र भूमि है। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि दीदी आप जो इसके ऊपर ब्लॉग बनाइए, अपनी लव मैरिज के ऊपर ब्लॉग बनाइए, तो दीदी आपने जो है मेरे पुराने वाले ब्लॉग नहीं देखे हुए हैं, तो आप पता क्या करना, मेरे चैनल में जाना और स्किप करके करके जो है मेरा ब्लॉग डाला हुआ मैंने लव मैरिज, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलो दोस्तों अभी चाय भी बन गई, अभी चाय बन गई क्योंकि मैंने इसको फूल ही रखा हुआ है, और बहुत प्यारा सा कलर आ गया, और मीठा पता नहीं अभी गाइस कम है या ज़्यादा है, क्योंकि गाइस फौजी साहब जो है कड़क चाय पीते हैं, और मेरी हिमाचल वाली फैमिली है वो कड़क चाय नहीं पीती है, वो तो बोलते इतनी चाय पत्ती भी नहीं डालते हैं, लेकिन अभी मुझे मेरे सासू माँ ने सिखाया हुआ है, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत कड़क चाय पीते हैं महाराष्ट्र में। तो गाइस अभी बस हो ही गई, ठीक है वैसे अभी मैं ना ये निकाल देती हूँ, गिलास निकाल देती हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, बस स्किप करके मत देखना क्योंकि ये मेरे हिमाचल में लास्ट वीडियो है दोस्तों, फिर मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। तो दोस्तों सब कुछ दिखा रही हूँ मैं दोस्तों, मैं क्या क्या कर रही हूँ, लास्ट जो है गिलास रख रही हूँ गाइस। हम मैं और अंशु के पापा, मम्मी पापा नानी और नाना तो रह गए, ये आ नाना, ठीक है। तो गिलास अभी मैं ले लेती हूँ छन्नी, तो मुझे ना पकड़ नहीं मिल रही है कहाँ रखी हुई है, जिससे मैं चाय डालूंगी। हाँ गाइस मिल गई, तो अभी मैं इंडक्शन बंद कर लिया और अभी हो गई चाय गाइस, तो अभी मैं डाल रही हूँ चाय सबके लिए। आज चाय ऐसा लग रहा है ज्यादा ही बन गई मेरे से, सब ज्यादा ज्यादा पिए आज मीठी मीठी चाय अन्नू के हाथ से। गाइस भाभी की भी याद आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैं किचन में आती थी ना तो मेरे भाभू जो है मुझे यहाँ दिखते थे वहां दिखते थे, तो मुझे भाभू भी नहीं दिख रहे, इधर भाभू भी चले गए अपने मायके में, आपने देखे होंगे पीछे वाले ब्लॉग, मैं बोलती रहती हूँ पीछे वाले ब्लॉग, लेकिन जो डेली ब्लॉग देखता है अभी उनको सब पता होता है, लेकिन जो नए आते हैं उनको नहीं पता होता, तो इसलिए बता रही हूँ मैं। तो गाइस ये तो होगी हमारी चाय, तो हम इसको साइड में रख लेंगे, और एक गिलास में जो है गाइस चाय कम हुई, तो जिसमें ज्यादा हुई है उसका हम डाल लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, बोलने का मतलब ये है। तो सबसे पहले ना हम ट्रे ले लेते हैं गाइस, ये वाली ट्रे ले ली मैंने, और चाय भी रख लेते हैं। अब इनके सामने मुझे रोना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, पर पता नहीं कल तो क्या होगा दोस्तों, जाती बार तो मुम्मा पता नहीं। तो चल रहे हैं हम चाय लेके दोस्तों, गाइस अभी लेके जा रहे हैं हम सबके लिए चाय। मम्मी खोल वाला दरवाजा खोल दो, ऐसे लो चाय लो, लो नाना चाय पकड़, ट्रे पकड़ ट्रे,
पीलो पीलो सभी चाय हमारे हाथ से मिट्टी मिट्टी चाय पी लो हमारे हाथ से। फौजी साहब तो पियेंगे अभी। ये बड़ा ध्यान था ना गलास अच्छा ना और दे दे ये मैं ले लेती हूँ तो क्या ठीक है दोस्तों। फिर हम चाय पीने के बाद मिलते हैं आप सभी से। गाइस हमारी चाय पानी हो गया सबका तो अभी जो है मम्मी जा रहे हैं गाय को लेके। तो हम शाम के टाइम रोज जाते थे वॉक करने के लिए। और देखे गाइस मम्मी अंशु को लेके जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी अभी अंशु को उधर देखने के लिए और मम्मी गाय चुगाएंगे। तो अभी बरसात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा घास हो जाता है जंगलों में तो हमारे गाय भी चर के आ जाते हैं और हम भी वॉक करके आ जाते हैं। और ये देखे दोस्तों हमारे फौजी साहब हैं। कहाँ जा रहे हो? अच्छा हाँ दूध की बोतल ले रही मैं अंशु की। तो दोस्तों आज लास्ट दिन है तो लास्ट दिन जाके आते हैं नहर में घूम के आते हैं थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। तो अंशु को रास्ते में भूख लग जाती है दोस्तों तो अंशु की दूध की बोतल लेके आ रहे हैं। ये थालू ले लेना नीचे से। ओ ये वाला अंशु की बोतल लेनी इसमें है। नहीं लेनी है खाली कर दो इसको गवाड़ो। गाय से हमारे मम्मा डंडा लिया बहुत सारा और हमारी गाय चुग रही है अभी। मैं मारती नहीं हूँ इनको ये तो ऐसे लिया है ऐसे लिया है ना जंगली जानवरों के लिए। घूम लेते हैं आज आपके साथ। अभी तो मैंने बोला वे आज घूम लेते हैं कल आपने बने इस टाइम कहाँ होना मेरी अंशु बबड़ी ने बने कहाँ होना इस टाइम आ जाओ वाओ दूध लेके आ गया बच्चा। खैर बोले खैर बस निकालो ना ना बहुत मच्छर है वे ना बबड़े। ओए चिनू ऐसा डोलिया ना बोए। आ गए गाइस हम भी वॉक करने के लिए। हमारी मम्मा की गाय है गाइस बहुत सारा घास हुआ है मम्मी है ना घास। कहाँ जा रहे हैं आप? गाय जाना जा रहे हैं। एक और है आगे। किसके साथ जा रहे हैं? पापा आ जाएंगे चलो। नहीं यहाँ से आओ यहाँ से गिरना मत। अच्छा चलो 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 कहाँ जा रहे हैं आप? गैया पार्क जा रहे हैं। दूध मांगो गाय। रुको रुको कहाँ आगे लेके जाने हैं? गाइज हम आपको ना जो हमने पिछला ब्लॉग डाला था एक दिन डाला था ऐसा ब्लॉग आलू मतलब जो अरबी के पत्ते होते हैं ना ये देखो गाइज हमारे जंगलों में होते हैं ये अरबी के पत्ते एकदम नेचुरल है देखो दोस्तों। मतलब इधर से कोई भी लेके जा सकता है मतलब किसी की रॉक कोई रॉक टॉक नहीं है। ये देखिए कितने सारे है गाइज देखो बहुत ज़्यादा लाइन बार है बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। पतरोड़े बोलते हैं हमें इसको ना हिमाचली भाषा में। देखें दोस्तों हिमाचल की नेचुरल जंगल देखिए हमारे जंगलों में जो है वो अरबी के पत्ते कितने सारे दोस्तों उधर तक हैं बहुत सारे हैं इसके हम पतरोड़े भी बनाते हैं और साग भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें। तो इधर हमारे गाय भी चुग रही है लेकिन ये वाले पान जो है पत्ते जो है नहीं खाते हैं वो। तो देखिए दोस्तों हमारी बकरी तो याद रहेंगे दोस्तों ये सब जो है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। गाइज ये शाम के नज़ारे वाह 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 मेरा हिमाचल। हमारे फौजी साहब गाइज अभी शाम के नज़ारों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे हम अपने महाराष्ट्र जाकर। ये देखिए दोस्तों हवा चल रही है बड़ी प्यारी सी। अभी पहुंच गए हम घर में आधा पौना घंटा जो है हमने गाय को चराया जंगल में। चलो
चलो चलो चलो। गाइस अंशु के पापा ने कैसे उठाया अंशु को। मम्मी उधर है।